मॉर्निंग गाइस, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अनीस आनंद ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज 2023 का शुरुआत हो चुका है, तो आप सभी को आई विश यू अ वेरी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी एकदम मज़े से सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए फिलहाल ब्रश वरस करके आज लेट से उठाऊँ, क्योंकि आज जिम तो बंद था। तो आज एक फ़ायदा उठा, एकदम आराम से चैन का नींद सोया हूँ। एकदम 9 बजे सो के उठाऊँ, अब जाता हूँ ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाता हूँ, फिर कुछ देखते हैं क्या बन रहा है, फिर खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती चलेगा। ये रहा मेरा आज का नाश्ता, ये कचौड़ी आलू गोभी की सब्जी और ये खीर। न्यू ईयर का स्पेशल नाश्ता। तो हम लोग अभी जितने दोस्त हैं सब अभी आ चुके हैं मेला, और मेला में प्रवेश हो चुका है। तो चलिए मेला घूमते हैं और एंजॉय करते हैं, और देखते हैं, घूमते हैं बहुत सारी चीज़। तो और फिर क्या, हम सभी दोस्त यहाँ पे देख सकते, रंजित सुमित भी सब मेला में पहुँच गए। अब देखते हैं, घूमेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। एकदम काली बिल्ली यार, दूसरा ट्राई करो। कैसा लग रहा है? एकदम बकवास, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो अभी हम लोग तारामाछी में घूमने जा रहे हैं, और अपना जो डर है उसको भगाने जा रहे हैं। मतलब पहले चढ़े हैं, लेकिन आज फिर दोबारा चढ़ रहे हैं। ऊपर से तो बनाना असंभव था, इसलिए नीचे आके दिखाता हूँ। तो अब चांस आया है ब्रेक डांस का लुफ्त उठाने का, तो ब्रेक डांस पे चढ़ते हैं और एकदम पूरा लुफ्त उठाते हैं। तो फिलहाल ब्रेक डांस में बैठ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हम और मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है। तो अब कुछ ही देर में ये स्टार्ट हो जाएगा, और एकदम मज़े से हम लोग घूमेंगे। बस कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर चलते चलते वीडियो बना पाए, क्योंकि अगर फ़ोन गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। वहाँ देखिए सामने रंजीत और सुमित भी बैठा है, तो वो लोग का भी था, हम लोग सब साथ ही थे। तो मतलब क्या आज हुआ बताते गए। ऐसे टिकट का दाम था 40, लेकिन हम लोग सब कुछ किए, जिस वजह से सबका एकदम सस्ते में हो गया। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट तो हो चुका है, तो अब कितना देर तक मैं बना पाऊँगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ज़रूर दिखाता हूँ। देखिए और इन्जॉय कीजिए, लेकिन जो बोलिए पैसा वसूल हो गया, मज़ा तो एकदम भरदम आया। सबसे ज़्यादा तो तब लगता है जब एक अचानक से ट्विस्ट करता है फुल स्पीड में, वही उसी के टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है, लगता है फ़ोन उन गिर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, फिर फ़ोन अंदर रख लिया। लास्ट में फिर वापस बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, पकड़ा था धीरे, नहीं तो मज़ा तो उतना ही आया। बहुत क्या बताया आज ये सब दोस्तों के साथ, सब में घूमे, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिसमें हम लोग नहीं घूमे। बेचारा इसलिए एक रंजीत ही मिस कर दिया, बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या बताएं, पैसा वसूल हो गया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या बताएं, पैसा वसूल हो गया। साला बटर एक बार पैसा देके 10 बार घूमता है, मतलब वहाँ भी एक। तो अभी आपको एक बंदे का डेयरिंग दिखाता हूँ यार, ऐसा डेयरिंग होना चाहिए। देखिए ऊपर वो कहाँ पे, नाव पे ऊपर गौर कीजिए, देखिए कहाँ पे खजा के खड़ा है। हम लोग का तो क्या बताए, वहां तो जानने में हालत फट के हाथ में आता आ जाएगा। एक नंबर जिंदगी में, एक नंबर लगा, मुंह देख के लग रहा है, मुंह देख के लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो क्या चीज में घूम रहे हैं। ये देखा, ये देखा। गठघड़वा में पीछे देखिए, सोच रहे घोड़ा में जाके बैठ जाए। हम सभी बचपन की याद ताजा करते हुए, जो बोलिए गाइस, लेकिन सबसे ज्यादा मजा इसी में आया, एकदम पैसा वसूल, बस 5 रुपये। तो मेला इसके साथ खत्म हो गया।
तो जा ही रहे थे कि रंजीत बोला क्या यार देखो लेना है तो ले लो, तो इसमें हम पीछे कैसे रहते। तो यहाँ पे देखिए अभी एकदम हम लोग के सामने में ही वो कॉटन कैंडीज या बुढ़िया के बाल जो कुछ भी बोलिए वो तैयार हो रहा है। तो एकदम ताज़ा ताज़ा सा अभी लेंगे और खाएंगे। तो देखिए अभी हमारा ही बनने वाला है, तो मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा बनता हुआ देखे। तो देखिए लगभग अब कितना साइड साइड बाल जैसा आ चुका है और ये हमारा कॉटन कैंडी बन के तैयार हो गया है। तो ये रंजीत के तरफ से था, मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है, तो खाता हूँ और निकलता। तो गाइस अभी हो गया हम लोग का चारों जा रहे, एक बाइक चार सवारी, मजा आ गया आज मेला घूम के। ए, चार नहीं है 3.5 है, हम अनीस एक, सौरभ सुमित दो, हम गोलू गोलू आधा क्यों नहीं रहा गोलू आधा अब हो गया। अरे गिरेगा तो बाइक गिरेगा, अरे बाइक गिरेगा तो गिर जाएगा पूरा। अब चलते हैं घर, बाद में ब्लॉगिंग, बाय बाय। तो घर पहुंचने के बाद देखा कि आग जला हुआ था, तो यार ठंड के मौसम में आग और क्या चाहिए। तो बैठ गया कुछ देर आराम से, आग सेक रहा हूँ, उसके बाद अब जाऊंगा फिर आराम करूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय।